हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक की। हम ग्लैंड फार्मा की बात नहीं कर रहे, बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे ये स्टॉक्स आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज चला और यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। इसी तरीके से एक दूसरा स्टॉक है जो फार्मा कैटेगरी का है, जो अभी आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स यहाँ पर आपको अच्छे खासे गेन दे सकता है। पहले भी यहाँ पर बात करी थी, आपको बताया था कि वो स्टॉक गिर रहा है, तो एक थोड़ा बहुत और गिरेगा, उसके बाद एक चार्ट पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही उस स्टॉक से में गिरावट होनी उसी दिन से अगले दिन शुरू हो गई थी और वो स्टॉक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनने को जा रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी वो या शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बट जानते हो उस शेयर से रिलेटेड, पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल में। इन्वेस्ट फॉर एवर आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पर वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी वीडियोस यहाँ पर आज की डेट में भी एक वीडियो डाली है, यहाँ पर देखिए अपडेट हो गई होगी, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पर देखिए, तो पैसा होगा 10 गुना। ये केमिकल स्टॉक अभी डीमर्ज हुए, तो यहाँ पर इन कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा। ये कंपनी काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पर सिखाया जाता है, कोई ज्वाइन बटन नहीं है, कोई पैसे नहीं लिए जाते, सिंपल यहाँ पर आपको जाके वीडियोज देखनी है लास्ट तक और यहाँ पर अपनी नॉलेज को बढ़ाना। तो हम चलते हैं स्टॉक से रिलेटेड। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लैंड फार्मा जैसा कि स्टॉक्स है, आया था ओके, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज जोन में चल के के बाद यहाँ पर शेयर ने एक अच्छी खासी रैली कुछ ही टाइम में यहाँ पर बना के दिखा दी थी। उसी तरीके से मुझे इस शेयर में भी इसी तरीके का पोटेंशियल नजर आता है। तो देखते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड, और बट यहाँ पर हम बात करें उस स्टॉक्स की, तो यहाँ पर देखिए ये शेयर 2500 रुपए तक यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया था जब यहाँ पर आया था। उसके बाद से यहाँ पर अगर देखें तो 2001 रुपए तक यहाँ पर 11 अगस्त को आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पर दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 2084 रुपए के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग 70% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें उस कंपनी का नाम क्या और क्या करती है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस कंपनी का नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मा और केमिकल का यहाँ पर यह कंपनी काम करती हुई नजर आती है। 1996 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेटिव, और ये अगर बात करें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है, डायरेक्टिंग एजेंट्स, फार्मा ट्रांसफर, कैटालिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट फॉर बैटरीज एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। तो फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में। और स्पेशलिटी केमिकल्स में जब कंपनी काम करती हुई नजर आती है, कंपनी भागती हुई भी नजर आती है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, और यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स यहाँ पर देखे इस कंपनी से रिलेटेड, तो देखिए 79% के शेयर प्रमोटर्स के पास है। तो कभी भी OFS भी आ सकता है, तो इस चीज का याद रखिएगा। 3 साल का टाइम होता है, तो अभी 3 साल में थोड़ा सा टाइम है, बट कंपनी कभी भी दे सकती है। थोड़ा सा महंगा यहाँ पर स्टॉक है। ROC की बात करें 28 का ROC है, और ROE 36 का है, 54% का डेट भी है, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है। यहाँ पर इसके पीयर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो यहाँ पर पी रेशो है वो सब में सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ROC की बात करें तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, इतना बेकार भी नहीं है। बट हम यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सेल्स जो हो रही है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर थोड़ी सी ना के बराबर गिरावट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे बात करें यहाँ पर सेल्स दुगनी होती हुई नजर आ रही है, और प्रॉफिट भी यहाँ पर 3 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर अच्छा खासा है। इसके अलावा नेट ईयरली बेसिस पे बात करें पिछले 4 साल की, तो 136 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 300 करोड़ में हो गई है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट भी 12 करोड़ का यहाँ पर 52 करोड़ का हो गया, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। तो ऐसी ही कंपनी यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाती है, और ऐसी कंपनी आपके पैसे को बढ़ाती भी है, आपके वेल्थ को बढ़ाती हुई नजर आती है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 146 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग यहाँ पर कंपनी की 90 करोड़ के आसपास है, और फिक्स एसेट देखिए 120, और यहाँ पर 10 करोड़ रुपए अभी भी वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। जब ये 10 करोड़ रुपए यहाँ पर फिक्स एसेट में आते हुए दिखाई देंगे, 120 से 130 करोड़ होता है वो फिक्स एसेट दिखाएगा। तो सेल्स वगैरह सब चीज यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, बढ़ती हुई नजर आती है। ट्रेड की बात करें 91 करोड़ का ट्रेड है, 5 करोड़ का कैश है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और पॉजिटिव दिखाई देता है। एज वेल एज यहाँ पर देखे शेयर होल्डिंग तो वो दिखा देने रखी, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ 79% के शेयर यहाँ पर जो दे रखे हैं प्रमोटर्स के पास है। तो कभी भी यहाँ पर ये शेयर OFS आने की यहाँ पर आशंका हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी से रिलेटेड बात करें तत्व चिंतन, तो तत्व चिंतन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर जब एक शॉर्ट में ब्रीफ आपको देता हुआ नजर आया था, एक मिनट, तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ ये कंपनी नजर आ रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक यहाँ पर कप बनाया इसने, कप बनाने के बाद यहाँ पर अगर बात करें एक हेड बनाते हुए या तो शोल्डर कप विद हैंडल पैटर्न बनाता हुआ नजर आएगा पहले, या फिर ये शोल्डर हो सकता है, एक यहाँ पर हेड और फिर इसके बाद यहाँ पर एक और शोल्डर होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखें रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा या यहाँ से ऊपर जाके एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाएगा। बट यहाँ पर देखिए तो थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आता है और ये 2000 के आसपास मिलता है शेयर दोबारा, तो एक अच्छी बाइंग लेवल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर नीचे के लेवल पर। और ब्रेकडाउन की बात करें तो इसके नीचे ही जब शेयर जाएगा 1900 के 2000 के नीचे, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट की बात करें तो लगभग 2533 का यहाँ पर जब तक लेवल नहीं टच कर रहा तब तक ये कंपनी और ऊपर जाने मतलब ब्रेकआउट नहीं दे सकती। बट अगर हम बात करें कंपनी की तो यहाँ पर जैसे ग्लैंड फार्मा में हमने देखा था शेयर कंसोलिडेट करके फिर भागता हुआ नजर आया, तो उस किसी भी दिन ये कंपनी भी उसी तरीके से थोड़ा बहुत टाइम लेगी। इस बार के रिजल्ट एक बार देखेंगे, रिजल्ट अगर अच्छे खासे आ गए तो मुझे लगता है कंपनी के रिजल्ट जैसे अभी आए हैं दोबारा वैसी आ गए तो यहाँ पर ये कंपनी आपको रॉकेट बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस कंपनी की तरफ आपको स्पेशली ध्यान देना है। फार्मा केमिकल्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करती आ रही है ईयरली क्वार्टरली बेस पे। यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर्स एंड ऑल की बात करें FIDIs में यहाँ पर है और यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर मुझे नजर आता है। तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और वीडियो को लाइक करना है ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।